गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश के प्रोज का चैप्टर नंबर 4 है, द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेजरलॉफ। इसका जो हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ इन द एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, यानी चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो इसका आंसर होगा, देयर वॉज अ पर्सन हु वॉज अ पैडलर, यानी एक आदमी जो फेरी वाला था, एंड यूज टू वांडर हियर एंड देयर सेलिंग रैट ट्रैप्स, और यहाँ वहाँ चूहेदानी बेचते हुए भटका करता था। ही वॉज द रैट ट्रैप सेलर, वह चूहेदानी विक्रेता था, एंड ही मेड दोज रैट ट्रैप्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, और वह उन चूहेदानियों को दुकानों और फार्म हाउसों से मांग कर लाए गए सामान से स्वयं बनाता था। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस, संपूर्ण संसार के बारे में उसके दिमाग में एक बार कौन सा विचार आया। तो इसका आंसर होगा, वंस इन हिज माइंड, यानी एक बार उसके दिमाग में, देयर स्ट्रोक एन आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड, उसके दिमाग में एक विचार कौधा की, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, सारी दुनिया, भूमि, समुद्र, शहर और गांव, इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। इट हैज नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड व्हाई, रात्र के लिए उसे शरण किसने दी और क्यों। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें और लर्न करें। यदि आप चाहते हैं कि हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वीडियोस पे वॉच ड्यूरेशन बहुत कम आ रहा है, जिसके चलते मैं एक्सप्लेन करने में असहज महसूस कर रहा हूँ। इसमें फोर नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिज रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर कॉटेज, यानी चूहेदानी बेचने वाला क्रॉफ्टर की कुटिया पर क्यों लौटा, यानी कृषक की कुटिया पर क्यों लौटा। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें फाइव नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद द रैट ट्रैप सेलर इन टू द वुड्स, यानी जंगलों में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करें और अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें सिक्स नंबर क्वेश्चन है, व्हाट साउंड्स डिड द पैडलर हियर इन टू द फॉरेस्ट, यानी फेरी वाले ने जंगल में क्या आवाज़ें सुनी। व्हाट डिड ही डू देन, फिर उसने क्या किया। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करें और अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें सेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज रामसो आयरन वर्क्स, यानी रामसे लौह कारखाना क्या था। व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, और इसके अंदर क्या हो रहा था। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें एट नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वागाबॉन्ड रैप्टर सेलर इनसाइड हिज फॉर्ज, यानी आवारा चूहेदानी बेचने वाले को अपने कारखाने में देखकर लौह व्यापारी ने कैसे प्रतिक्रिया दी। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें नाइन नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज द वागाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, यानी आवारा या घुमक्कड़ लौह व्यापारी के साथ उसके घर जाने को क्यों नहीं तैयार था। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करें, अपने नोटों को नोट करें। इसमें टेन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वागाबॉन्ड टू हिज हाउस, यानी लौह व्यापारी ने घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करें, अपने नोटों को नोट करें। इसमें इलेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विद द गेस्ट, यानी लौह व्यापारी और उसकी बेटी ने उस अतिथि के साथ क्या करने का निश्चय किया। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें और लर्न करें। इसमें ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन, यानी लौह व्यापारी ने क्या गलती की थी।
What did he want after identifying the vagabond in broad daylight? दिन के भरपूर उजाले में घुमक्कड़ को पहचानने के बाद वह क्या चाहता था? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड एल्डा विलमैनसन वांट टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू द वैगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर। यानी एल्डा विलमैनसन घुमक्कड़ अजनबी को आतिथ्य सत्कार क्यों देना चाहती थी? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द रैट ट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स होम। यानी चूहेदानी बेचने वाले ने लौह व्यापारी के घर में अपना समय कैसे बिताया? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च। लौह व्यापारी और उसकी बेटी ने चर्च में क्या सूचना प्राप्त की? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पैडलर। यानी क्रिसमस का क्या उपहार एडला ने फेरी वाले से प्राप्त किया? व्हाई डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। वह खुशी से हल्ला सा क्यों चीख पड़ी? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। यानी फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी के रूप में क्यों कहा? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें। इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रैट ट्रैप। फेरी वाले ने सोचा कि क्या वास्तव में चूहेदानी में गिर गया है? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करें, अपने नोटबुक में नोट करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।